आज हम पढ़ेंगे केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट के बारे में। ठीक है जी, कि पेस्ट हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दैट इज पेस्ट, PEST। ठीक है, दैट इज PEST, पेस्ट। अब पेस्ट हमारे पास क्या होते हैं? पेस्ट बेसिकली हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डैमेज करते हैं किस चीज़ को, क्रॉप्स को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पेस्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म्स हैं। ठीक है जी, जानदार हैं। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिज्म्स हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, जो कि डैमेज करते हैं। ठीक है जी, दैट इज डैमेज, क्या करते हैं, डैमेज करते हैं किस चीज़ को, प्लांट्स को। ठीक है जी, या क्रॉप्स जो हमारे पास फसलें होती हैं उनको वो डैमेज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास पेस्ट कहलाते हैं। तो अब ये जो पेस्ट हैं जो कि हमारे पास ग्रो करते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट क्रॉप्स पे, उनको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी, किस तरह हम बायोलॉजिकली भी और केमिकली भी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे क्रॉप्स पे और उनको डैमेज करते हैं इसी तरह। तो अब ये जो हमारे पास पेस्ट जो होते हैं, इनको किल करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है जी, तो हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स। ठीक है जी, PEST, पेस्टिसाइड्स, CIDES, पेस्टिसाइड्स होते हैं। और वो हम किस लिए यूज करते हैं, टू किल। ठीक है जी, किल किसे कहते हैं, मारना, खत्म करना किस चीज को, पेस्ट को। ठीक है जी, जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जो कि ग्रो करते हैं क्रॉप्स पे, उनको खत्म करने के लिए जो हमारे पास दवाइयां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो पेस्टिसाइड्स कहलाती हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह ये हमारे पास क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स, ये हमारे पास बेसिकली केमिकल कंट्रोल है। ठीक है जी, हम ये भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, दैट इज केमिकल कंट्रोल। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज केमिकल कंट्रोल। अब ये केमिकल कंट्रोल, चूंकि ये ऑर्गेनिज्म है तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है, तो उनके लिए हम डिफरेंट तरह के केमिकल यूज करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज व्हाट, दैट इज फंगिसाइड्स है हमारे पास। ठीक है जी, फंगिसाइड्स हम किसे कहते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, दैट इज फंगिसाइड्स। ठीक है, हम इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, फंगिसाइड्स, FUNGICIDES, फंगिसाइड्स हैं हमारे पास। तो फंगिसाइड्स जो हैं ये हम यूज करते हैं, हमारे पास केमिकल है जो कि हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, टू किल। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं टू किल, या टू पैरिश, खत्म करना किस चीज को, फंजाई को। ठीक है जी, फंजाई आपको पता है किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फंजाई को खत्म करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और मुख्तलिफ तरीके होते हैं हमारे पास इसके यूज के। ठीक है जी, कुछ लोग इसको स्प्रे के थ्रू करते हैं, या जनरली जो है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास एक बोतल होती है, उस बोतल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको स्प्रिंग करते हैं किस चीज के ऊपर, उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो कि हमारे पास ये डिजीज कॉज करते हैं। सो दैट इज फंगिसाइड्स। इसके अलावा जो है हमारे पास पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वीड्स। ठीक है जी, हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या पाई जाती हैं, हमारे पास वीड्स पाई जाती हैं। ठीक है जी, अब वीड्स जो हैं हमारे पास, ये क्या हैं या इनका फंक्शन क्या है? वीड्स बेसिकली हमारे पास प्लांट्स होते हैं। ठीक है जी, और ये क्या करते हैं, ये कंपीट करते हैं। ठीक है जी, कंपीट किसे कहते हैं, मुकाबला करते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज कंपीट, ये कंपीट करते हैं किसके साथ, प्लांट्स के साथ। ठीक है जी, प्लांट्स कौन से, प्लांट्स जो कि हमारे पास क्रॉप्स होते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्रॉप्स प्लांट्स हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। ठीक है जी, तो अब ये प्लांट जो है हमारे पास, ये क्रॉप्स प्लांट्स जो है हमारे पास, किस चीज के लिए ये कंपीट करते हैं, ये कंपीट करते हैं वाटर के लिए। ठीक है जी, हम वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, किस चीज के लिए कंपीट करते हैं, वाटर। ठीक है जी, जैसे हमारे पास वाटर हो गई, इसके अलावा जो है हमारे पास ये करते हैं लाइट के लिए। ठीक है जी, LIGHT, लाइट, जिसे हम रोशनी कहते हैं, जो कि सूरज से वो हासिल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसके अलावा मिनरल्स, जो कि जरूरी है किस चीज के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है जी, सो दैट इज मिनरल्स, मिनरल्स की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज मिनरल्स, ये हमारे पास मिनरल्स है, तो उनके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं और हेल्प करते हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, रिमूव कर सकें। तो अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हम
वीट्स को के अगेंस्ट जो हम चीजें यूज करते हैं उसको भी देख सके। आप इसमें देख सकते हैं दैट इज वीट शॉर्ट इसके ऊपर लिखा है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं वीट्स को खत्म करते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए डायग्राम हमारे पास ये वाली है, ठीक है जी, और ये हमारे पास फंगिसाइड्स के लिए है। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और जो हम यूज करते हैं किस चीज को, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट अगर हम यूज करें तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ हर्बिसाइड्स, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सॉरी हमने ये नहीं बताया कि वीड्स के अगेंस्ट जो है जो हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है, वो नाम भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी, उसका नाम है हमारे पास दैट इज हर्बिसाइड्स, ठीक है जी। जो वीड्स के अगेंस्ट हम यूज करते हैं उन्हें हम हर्बिसाइड्स कहते हैं, ठीक है जी, दैट इज हर्बिसाइड्स, ठीक है जी, वो हर्बिसाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम पेस्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बेसिकली पेस्टिसाइड्स होते किस लिए, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पेस्टिसाइड्स, ठीक है जी, या हम किसे पेस्टिसाइड्स या बाकी जो दो होते हैं हमारे पास ये इसी पेस्टिसाइड्स की टाइप थी, लेकिन वो किसी के अगेंस्ट थी, वो जैसे हर्बिसाइड हमारे पास प्लांट है, फंजाई एक अलग किंगडम है हमारे पास। तो इसके अलावा अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की, तो पेस्टिसाइड बेसिकली यूज होती हैं ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, ठीक है जी, ठीक है, हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म कौन से, जैसे कि हमारे पास इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पे शुरू की डायग्राम में, जैसे कि हमारे पास ये डिफरेंट इंसेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पाए जाते हैं, इनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पास पेस्ट जो बेसिकली होते हैं, ये इंसेक्ट क्या करते हैं, ये ट्रांसमिशन करते हैं डिजीजेस की, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ट्रांसमिशन करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं किसको, डिजीज को, ठीक है जी, दैट इज ट्रांसमिट करेंगे किसको, डिजीज को, हम यहाँ पे डिजीज लिख लेते हैं, इज डिजीज, साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो, ठीक है जी। और आपने देखा भी होगा मोस्टली जो है ये यही तरीका अपनाया जाता है कि हमारे पास एक जो है मशीन सी होती है, उसके उसके थ्रू हम स्प्रे करते हैं डिफरेंट पेस्टिसाइड्स के ऊपर, पेस्टिसाइड्स को किसके ऊपर, पेस्ट के ऊपर। और इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि पेस्टिसाइड इस तरह यूज करनी चाहिए ताकि जो हमारे पास यूजफुल ऑर्गेनिज्म हैं या इंसेक्ट्स हैं वो डैमेज ना हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास केमिकल कंट्रोल। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की, बायोलॉजिकल कंट्रोल की, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है जी, बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम बात कर लें। तो अब बायोलॉजिकल कंट्रोल हमारे पास क्या है, ठीक है, या हम किस तरह कर सकते हैं, तो साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें डिफरेंस का भी पता चल सके और हमें पता भी चल सके कि बायोलॉजिकल हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को जी। स्टूडेंट्स, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पर हम केमिकल को क्या करने हम यूज कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, पेस्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें इस तरह नेचुरल प्रिडेटर जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम यूज करते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज नेचुरल प्रिडेटर हम इसमें यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि जिनके जो कि फीड करते हैं किस चीज के ऊपर, उस पेस्ट के ऊपर जो कि हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। तो ये हमारे पास एक नेचुरल क्या है, नेचुरल वे है जिससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पेस्ट को। और ये जो है कहा जाता है कि केमिकल के बनिस्बत हमारे पास जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो और डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि इसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं और इसमें हम जो है नेचुरल प्रिडेटर, कोई भी दूसरा इंसेक्ट जो कि इन इंसेक्ट्स के ऊपर क्या करे, इनको फीड करे और इनको खत्म करे, किससे, उन क्रॉप से। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, आज हमने डिस्कस किया केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स के बारे में।